नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या आज की डेट में, आज की सिचुएशन में हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर इसका आंसर है ना तो क्यों, और अगर इसका आंसर है हाँ तो आखिर हमें किस एज में हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्ट करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन। तो आइए स्टार्ट। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको समझने से पहले अपन ये पहले समझ लें कि किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस हम आखिर लेते क्यों। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि आज के इस करंट सिचुएशन में अगर हमारा कोई भी जान माल वस्तु का हमें नुकसान हो जाए और हमारी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम उस नुकसान को बर्दाश्त कर पाए, तो उस रिस्क को कवर करने के लिए हम क्या कराते हैं, हम इंश्योरेंस लेते हैं। तो यहां से तो ये क्लियर है कि आज की डेट में हम सब कोई किसी न किसी प्रकार का इंश्योरेंस लेते हैं। बट यहां से अगला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ, हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट में समझाऊंगा कि क्यों हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो आइए वन बाय वन अपन उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर वन है, यहां पे मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपकी लाइफ का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कहां होना चाहिए। शायद इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए अगेन मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एसेट्स क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर है आप खुद। जी हाँ दोस्तों, आप खुद। क्यों? क्योंकि आपकी पोटेंशियल है अनलिमिटेड, और उस अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल पे पहुंचने के लिए आपको स्वस्थ होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है, जान है तो जहान है। जी हाँ, जान है तो जहान है, यानी अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम उस अपने अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, हमें स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यानी हमें सबसे पहले इन्वेस्ट करना होगा हेल्थ इंश्योरेंस पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आपकी लाइफ का जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है वो आपकी हेल्थ पे होना चाहिए, क्योंकि आप स्वस्थ होंगे तभी आप अपनी अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, यहां से उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा कि क्यों हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की। आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, इस लाइफ स्टाइल ने बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी इलनेस हमारी लाइफ में बढ़ा दिया है। जैसा कि आपका हेक्टिक वर्किंग शेड्यूल, बैड ईटिंग हैबिट, जहां जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं वो पॉल्यूटेड होते जा रहा है, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां वर्क का बहुत ज्यादा प्रेशर है, आप आज की डेट में इतने बिजी हो गए हैं कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो बेसिक नीड है आप वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हेक्टिक लाइफ स्टाइल की वजह से आज की डेट में हम ज्यादा बीमारियों की तरफ घिरते जा रहे हैं, यानी हम कम उम्र में भी हम बहुत जल्दी बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस समस्या से निजात पाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप सबसे पहले अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, यानी आप सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लें। इसी से आप इस करेंट लाइफ स्टाइल में इजिली, आसानी से सरवाइव कर पाए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर तीन की। तो दोस्तों, आज की डेट में डे बाय डे मेडिकल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। शायद हम आज से 5 से 10 साल पहले जिस बीमारी का इलाज 1 लाख रुपए में करा लेते थे, शायद आज हम उसका इलाज 5 लाख में भी ना करा पाए। तो डे बाय डे जिस तरीके से मेडिकल कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, शायद हमारी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व ना कर पाए। अगर सडनली हम बीमार हो जाएं तो हो सकता है हमारी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन उस प्रॉब्लम को ओवरकम ना कर पाए। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस रिस्क से बचने के लिए हमें तुरंत हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, जिससे कि हम उस रिस्क से बच सके। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 की। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग हर महीने, हर साल में 1-2 बार जरूर बीमार हो जाते हैं। अक्सर वो बीमारी 1-2 सप्ताह चलती है, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो बीमारी हमारी 1-2 महीना चले, या हमें उस बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े। दोस्तों, आज की डेट में जो कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस आपको ऑफर कर रही हैं, उसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च को भी इंक्लूड किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस खर्च को भी इंक्लूड किया जाता है। तो इससे एक बहुत ही बड़ा जो
जो रिस्क है आपके बीमार होने के बाद अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो दोस्तों हॉस्पिटलाइज होने से पहले और हॉस्पिटलाइज होने के बाद दोनों का खर्च हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। इसलिए दोस्तों आज की डेट में हमें हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लेना चाहिए। और अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 की। तो दोस्तों अगर हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ इंश्योरेंस जो भी व्यक्ति लेता है उसको टैक्स में कुछ छूट देती है। टैक्स के सेक्शन 80D के अंतर्गत अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो अगर हमारी उम्र 60 साल से कम है तो हम 25,000 तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिखा सकते हैं, और अगर हमारा एज 60 से ऊपर है तो हम 50,000 तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिखा के टैक्स पे भारी छूट पा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, हम टैक्स पे भारी छूट पा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहां से ये तो क्लियर हो गया होगा इन 5 पॉइंट से कि हाँ, हमें आज के इस करंट सिनेरियो में हमें हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। इनफैक्ट ये हमारी लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अब यहां से अपन ये डिस्कस करते हैं कि अगर हमें हेल्थ इंश्योरेंस अगर लेना है तो आखिर कब लेना चाहिए। क्या हम जब 25 के हों तब हमें पहला हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, या जब हम 40 के हों तब हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, या जब हम रिटायर होने वाले हैं, 60 तक पहुंचने वाले हैं, तो क्या हमें तब हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर है, हमें हेल्थ इंश्योरेंस अपने अर्ली एज में ले लेना। नॉर्मली डिपेंडेंट की एज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां 25 साल का रखती है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि अगर 25 साल के बाद आपकी नौकरी लगती है, आपकी अर्निंग चालू होती है, तो मेरा दोस्तों कहना है कि आप 25 साल जैसे ही हो आप खुद अपने एक सेल्फ हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो। यानी इससे ये फायदा होगा कि आप जितना अर्ली एज पे हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उससे आपका प्रीमियम बहुत ही कम होगा, और प्रीमियम कम होने के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट भी देती है। वो ये है कि अगर हम अर्ली एज हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड रखती है। बट अगर आप अर्ली एज लेते हैं तो शायद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए कंपनी आपको शायद 1 साल का ही वेटिंग पीरियड रखे। और दोस्तों अगर आप अर्ली एज में अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हो सकता है कि आप 2-3-4 साल तक आपको क्लेम लेने की जरूरत ही ना पड़े। इस वजह से अगर आप अपनी अर्ली एज में ही हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे तो ये जो वेटिंग पीरियड है आप अगर अपने अर्ली एज में ही पार कर लेंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि जब आप बीमार होंगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल पाएगी। मान लीजिए यही हेल्थ इंश्योरेंस मैं 40 की या 50 की एज पे लेता हूं और उस वक्त मुझे फिर अगेन 4 साल का वेटिंग पीरियड रखना पड़ेगा मेरी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पे, तो उससे होगा क्या, जैसे ही मैं कभी अगर बीमार हुआ तो पता चला कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। पॉलिसी लिया है मैंने लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, यहां से अपन को ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस अर्ली एज ले लेना चाहिए। हमें ये हेल्थ इंश्योरेंस 30 से पहले ही ले लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्रीमियम है वो मिनिमम होगा, हमारा रिस्क कवर मैक्सिमम होगा, और हमारा वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए कम से कम होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा और आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। जिन व्यूअर्स ने नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस।